पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे 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 वंदन्ते प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भोले सभी वेद भाव यहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। स्तोत्र 16 पद संख्या 15। मैं न्याय के अनुसार तेरा दर्शन करूंगा और तेरी महिमा देखकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज जब हम नया दिन शुरू कर रहे हैं, प्रभु ने जो मेरे मन में वचन दिया है वो है योहन अध्याय 14 पद संख्या 6, जहां पर प्रभु कहता है आई एम लाइफ, मैं जीवन हूं। आज हमने ये नया दिन स्वीकार किया है प्रभु से, आज मुझको और आपको नया जीवन मिला है, इस गिफ्ट ऑफ गॉड प्रभु के तरफ से वरदान है हमारे लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें कि आज नए दिन इस जीवन में हम उसकी शुरुआत पवित्र मिसा बलिदान से कर रहे हैं। हर दान वरदान के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, खास करके जब हम नींद की आगोश में बेहोश थे, वो हमारी सुरक्षा थी। प्रभु की उपस्थिति ने हमें बचा के रखा और इस नए दिन की नई रोशनी को दिया है, हमें नया जीवन प्रदान किया है। आइए हम बड़े धन्यवादी हृदय के साथ इस मिसा बलिदान में भाग लें। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, प्रभु प्यारा है, फिर भी हमने इस परम प्यारे प्रभु को छोड़कर पाप गुनाह की तरफ अपना ध्यान किया, बुरे बोल बोले, बुरे वचन सोचे, बुरे काम किए, हर पाप गुनाह के लिए प्रभु से माफी मांगे और पश्चातापी हृदय से हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें, हम अपने निवेदनों को प्रभु को चढ़ाएं, प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो पीड़ाओं में हैं, बीमारी में है,
खास करके उन लोगों के लिए जिनका आज आखिरी दिन है इस दुनिया में। प्रभु उनके पाप गुनाहों को माफ करे, उनको अनंत जीवन प्रदान करे। प्रार्थना कर दें करिए उन लोगों के लिए जो आज इंटरव्यू देने जाएंगे, एग्जाम देने के लिए जाएंगे। प्रभु उनके साथ हो, शक्ति सामर्थ्य उनका। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ तेरी इस बेटी के लिए जिनको तूने चुना है आज का वचन पढ़ने के लिए। ये वचन इनकी जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में आशीष और कृपाएं लेके आए। गॉड ब्लेस। पहला पाठ, नबी इसाईस का ग्रंथ, अध्याय 10, वचन संख्या 5-7 और 13-16। प्रभु यह कहता है, धिक्कार है असुर को, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का दंड है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था, जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने असुर को भेजा था। किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। असुर ने यह कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया है। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चींची तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकश से बड़ा मानता है? क्या दंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है या लाठी उसे उठा सकती है? जो लकड़ी नहीं है, इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हष्टपुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, वे तेरी प्रजा को पीसते और अपने लोगों पर अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेसियों को मार देते और अनाथ बच्चों का वध करते हैं। अनुवाक्य, प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। वे ये भी कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं देखता, याकूब के ईश्वर को इसका पता भी नहीं चलता। रे निर्बुद्धियों, सावधान रहो। रे मूर्खों, तुम लोगों को कब होश आएगा? अनुवाक्य, प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जिसने कान बनाया, क्या वह नहीं सुनता? जिसने आँख बनाई, क्या वह नहीं देखता? जो राष्ट्रों का शासन करता है, क्या वह दंड नहीं देगा? जो मनुष्यों को शिक्षा देता है, क्या वह नहीं जानता? अनुवाक्य, प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष, आलेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11,
पद संख्या 25 से लेकर 27 आयत तक। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हां पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र ही जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के वचन जो खुद प्रभु उसने हमारे साथ वार्तालाप किया है, प्रभु एक बात कहता है, और इस आज के वचन के द्वारा इस तरह लगता है कि प्रभु बुराई भेजता है, प्रभु हमारे जीवन में कष्ट दुख भेजता है। जिस तरह यहाँ पर असुर एक राज्य है जिसमें बहुत सारे, जिस तरह वो खुद असुर कहते हैं, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई से राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी, राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासन से गिरा दिया। ये असुर इस तरह के लोगों से भरा हुआ था। अब प्रभु के वचन की पहली लाइन सुनो, धिक्कार है असुर को, वो मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे क्रोध का डंडा है, मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था। हालेलुया। मेरे पीछे एक प्रार्थना बोली, हे प्यारे यीशु, आज का वचन समझने के लिए मुझे अपने ज्ञान की ज्योति से भर दीजिए। हालेलुया। प्यारो, याद है जब आदम ने पाप किया, हेवा के साथ प्रभु उसको ढूंढते हुए आता है और कहता है, आदम तू कहाँ है? आदम क्या बोलता है? हे पिता, मैं छुपा हुआ हूं, क्यों? मैं नंगा हूं, आई एम नेकेड। वो नंगापन क्या था? क्योंकि यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:25 पढ़ेंगे, वहां पे साफ लिखा है, वो दोनों नंगे थे पर शर्माते नहीं थे। पर आज ये नंगापन आदम के लिए क्यों प्रॉब्लम हो गया है? वो किस तरह का नंगापन? क्या वो शारीरिक नंगापन था? यदि आप रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:23 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, सबने पाप किया है और सब के सब कृपा ज्योति से विमुक्त हैं, कृपा ज्योति से अलग हैं, खाली हैं। प्यारे, ये असुर के लोग वही थे जो जिनमें प्रभु की कृपा नहीं थी। अब ये किस तरह उस देश के विरुद्ध आ गए जो प्रभु के साथ थे, पर उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया था, विद्रोही थे, विधर्मी बन गए थे। ये बिल्कुल इस तरह है, एक बार एक संत को प्रभु दर्शन देते हैं और उस संत को प्रभु दर्शन देके कहते हैं, क्योंकि संत ने एक प्रश्न किया था कि मैं देखता हूं कुछ लोग बढ़ते चले जाते हैं पर बाद में वहीं पर रह जाते हैं, फिर कुछ लोग उनसे भी बड़े हो जाते हैं, खास करके मिनिस्ट्री में ऐसा कैसा होता है? वो कहते हैं, जब प्रभु ने उसको दर्शन में देखे कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो खुद करते हैं, मैं किसी को नीचे नहीं दिखाता हूँ, वो खुद चूज करते हैं कि मैं बस इतना ही बढ़ना है। इसलिए बहुत सारे की मिनिस्ट्री, बहुत सारे लोगों का काम, कारोबार, बिजनेस सब खत्म हो जाता है, क्यों? वो चूज करते बस इधर तक, वहां के वो राजा बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं, मैं, मेरा सब कुछ, और वहीं से उनका विनाश शुरू हो जाता है। और इस समय प्रभु क्या करता है? क्योंकि खुद उस इंसान ने चूज किया कि मैं राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, देयर इज नो गॉड, मैं ही गॉड हूं,
प्यारो, वहीं से उसका विनाश शुरू हो जाता है। क्यों भला? क्योंकि वो खुद को परमेश्वर मानने लगता है, इसलिए घमंडी जल्दी गिरता है, उसका विनाश जल्दी होता है। और प्रभु क्या करता है? क्यों उस घमंडी इंसान ने एक समय प्रभु की मदद मांगी, वो बढ़ता गया। जहां पे प्रभु से मदद मांगना बंद कर दिया, प्रभु से जुड़ के रहना बंद कर दिया, वहीं से उसका विनाश शुरू हो गया। वहां पर प्रभु क्या करता है? दूसरे देश को या दूसरे आदमी को या दूसरे मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है और वो अपने विनम्रता से उसमें बढ़ता चला जाता। और एक बार एक समय जो ये आदमी यहां तक था वहीं पर रह जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। यही आज के पाठों में है। प्रभु कहता है मैं किसी का नाश नहीं करता, बस तुम चूज करते हो अपने विनाश का। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आज के वचन के लिए, आज के वचन के लिए, आज के ज्ञान के लिए, आज के ज्ञान के लिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु स्तोत्र भजन एक में कहता है, वो मनुष्य जो मुझसे जुड़ा रहता है वो उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ उस बहती नहर से या उस बहती नदी से लगातार जुड़ी रहती हैं। और शुरुआत में मैंने कहा था जीसस सेज आई एम लाइफ। जब तक हम यीशु से जुड़े रहते हैं हम में जीवन है। जहाँ पे हमने उससे अपना कनेक्शन तोड़ लिया, भले वो घमंड करके हो, गुस्से करके हो या कोई भी पाप के कारण, सर्वनाश शुरू हो जाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है रिमेन कनेक्टेड टू मी, मुझसे जुड़े रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, मुझसे जीवन लगातार प्राप्त करते रहिए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर अपने आँखों को बंद करके आज के वचन के लिए, आज के ज्ञान के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। When I am with you, you have life। जब मैं आपके साथ हूँ, आपसे जुड़ा हूँ, तब आप में जिंदगी है और ये जिंदगी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और उसी से प्रभु की महिमा होती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभिनंदन शतवार तेरा भोजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतवार तेरा भोजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतवार तेरा भोजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतवार तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हाँ, प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने अपने मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी है, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उनके स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरे स्तुतिगान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन आइए हम अपने प्रभु यीशु का, जो हमें प्यार करता है, उसका स्वागत करें इस पवित्र वेदी पर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरी ही है। आमीन। सिद्धारत्ना, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। प्रकाशना 19 अध्याय 19 पद संख्या 16 में लिखा है, प्रभु यीशु के कपड़ों पर लिखा था कि वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। यूहन अध्याय 1 पद संख्या 12 में लिखा है, जिसने भी यीशु को स्वीकार किया, जिसने भी उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आइए हम सभी जो प्रभु पे विश्वास करते हैं दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, बताने के लिए कि हां प्रभु मैं विश्वास करता हूं, हां मैं आपको स्वीकार करता हूं। और प्रभु कहता है जो उसको स्वीकार करता है, विश्वास करता है, उसका बच्चा है, बेटा है, बेटी है। इसलिए प्रभु ने हमें जो प्रार्थना सिखाई जिसमें वो हमें पहचान बताता है कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, उसी दुआ को, उसी प्रार्थना को हम बड़े भक्ति के साथ हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे जिंदे पुनर्जीवित परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, देखिए यही है वो यीशु हमारा प्रभु, यही वो यीशु हमारा मुक्तिदाता, यही है यीशु जो हमें प्यार करता है, क्योंकि वचन में लिखा है गॉड इज लव, यीशु ही प्यार है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर आज के दिन को, अपने आप को, अपनी हर योजना को प्रभु को सौंप दीजिए। एक बार फिर उन लोगों को याद कीजिए जो आज दर्द में हैं, दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं, बीमारी में हैं। आज प्रभु उनको उनके हालातों में दर्शन दे, सहायता मदद प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पवित्र मिसा चढ़ाया गया, प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने।